हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करवा किसी इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी जहाँकि एसएसटी टीजीटी सिलेबस रही है। मॉक टेस्ट नंबर 2 एथरे आम डिस्कशन करवा टोटल 40 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 40 केत मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स आपको सिलेबस मुझे देखेदेवी कहीं बहुत पिला कमेंट कर सर आपण आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊँच तो आमर सिलेबस रे इंग्लिश आमर सिलेबस रे कौन नहीं ना आप सिलेबस रे आमर पेडागोजी ना एमती भी पिला मैंने अच्छा कौन कह कि ठीक लगुनि तो आपको देखे दूँ आपको से सिलेबस आपको देखा देखो आपर सिलेबस रही एसएसबी टीजीटी सिलेबस आप देख नौ सिलेबस देखने ये आप इंग्लीश देखो ये हूँ इंग्लीश आमर जहाँ कि सिलेबस रही इंग्लीश रो आप स्टार्टिंग पैसेज भी रोचे सहित पोएम भी आसे 10 मार्क ये आप चल तापर आप रही आमर इंग्लीश ग्रामर आस प्रीपोजिशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्पेसिफ एंड टेन्स सहित आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर इन ए सेंटेंस फ्रेज फ्राजल वर्ब क्लोज पैटर्न पंक्चुएशन टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्पेलिंग एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ सब्जेक्ट और स्पीक कॉमनली मिस प्रोनाउंस वर्ड और कॉमन एरर या उपर आम ग्रामर मध्य रही ग्रामर आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन करवा। बर्तमान आम देखा इंग्लीश पेडागोजी टीचिंग ऑफ इंग्लीश यहाँ आप इंग्लीश पेडागोजी सेक्शन इंग्लीश पेडागोजी आप पांचटा क्वेश्चन निहाती देखा मिले आपर इंग्लीश रे 25टा क्वेश्चन आसो से 10टा आप मानक पैसेज चल जा पांचटा आप पेडागोजी आसो 15टा होगा आउ 10टा आप इंग्लीश ग्रामर आसो टोटल 25टा क्वेश्चन आसो यहाँ मो तरफ कहूँ ऑफिशियल तो किसी आप आसीनी तो देखो तो आम इंग्लीश पेडागोजी आप आरएच टी मत पांचटा क्वेश्चन आसी से जो आप थर भी पांचटा क्वेश्चन आसार चान्स रही तो देखो ये आप इंग्लीश ग्रामर इंग्लीश पेडागोजी सिलेबस इंपोर्टेंट ऑफ टीचिंग इंपोर्टेंट ऑफ टीचिंग इंग्लीश लर्निंग इंग्लीश इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लीश लर्निंग इंग्लीश विथ रेफरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल आउ सब स्किल स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लीश विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ एनसीएफ 2005 स्टेजेस ऑफ प्लानिंग फॉर ए टेक्स्ट प्री रीडिंग फाइल रीडिंग पोस्ट रीडिंग असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल टूल टेक्निक विथ रेफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आप सिलेबस रे सब रही आपको ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड क्लास करुच्ची तो आउ गोटे पिला मत कमेंट सेक्शन से कमेंट कर सर आमर तो पेडागोजी ना सिलेबस रे तो सी बोधे आर्ट्स स्टूडेंट होको स्टूडेंट हो किंतु सिलेबस तो पेडागोजी न था कि आप टीचर केमती बनबे से भी हाई स्कूल रे पढ़े हाई स्कूल रे माने प्लस टू श्रेणीपाई मत जो माने जो एसएसबी पीजीटी पोस्ट आसे से पेडागोजी रोचे कहीं बीएड मगुच जितेबाला आप प्लस थ्री आम जो लेक्चर पोस्ट में अप्लाई करेंगे से पेडागोजी आवश्यकता पड़ूनी किंतु बाकी सब पेडागोजी आप आवश्यकता पड़ू तो ये आप से एमती देखते टीजीटी आर्ट्स पिला बोध हो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस देखला तापर आप ज्योग्राफी इकोनोमिक्स देखी तापर आप ज्योग्राफी इकोनोमिक्स रही आप देखी आमर कौन ना इंग्लीश ग्रामर देखी ओडिया ग्रामर देखी तो ये देखी कि स्टार्टिंग देखा कथा कि जाणी टाइम पास करपर तो देखो ये आप रही पेडागोजी रही सिलेबस फॉर पेडागोजी इवैल्यूएशन आमर पीटी को छाड़ी बाकी समस्त पेडागोजी सेम रही पीटी पे पेडागोजी सेक्शन टी अलग रही बाकी आमर आर्ट्स होगा सीबीजेड पीसीएम हिंदी संस्कृत उर्दू तेलुगु ये पेडागोजी सिलेबसटा समस्त लागू रही समस्त सामान कितु पीटी पे टे अलग रही पेडागोजी तो आम क्लास स्टार्ट करवा खाली आपको जनइली जे आप बेफालतु आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ ना कहीं बहुत मानने किसी ठीक लगुच आप मन इच्छा किसी भी कमेंट कर तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पोज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी ऊपर आम डिस्कशन आम सिलेबस रही सीसी ऊपर तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रे उद्देश्य कौन आमर सीसी रो मुख्य उद्देश्य कौन से पचारि चारिटा ऑप्शन रही आप रही
फास्ट रही टू एसेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय स्टूडेंट। नेक्स्ट रही टू प्रमोट द स्टूडेंट टू नेक्स्ट हायर क्लास। नेक्स्ट रही टू एसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट रही टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिमेम्बर लेसन टॉट। तो कौटा आमर कॉम्प्रेहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रो उद्देश्य अटे। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रो उद्देश्य होची टू एसेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द स्टूडेंट। माने गोटे पिला से तार कॉम्पिटेंसी लेवल केते दूर छुईंची सेटा आमे जानिबा। माने गोटे पिला कॉम्पिटेंस माने दक्षता, से दक्षतार केते दूर से को लेवल पर्यंत कॉम्पिटेंस को से कृतित्व हासिल करछि सेटा को आमे असेस करबा बा जानिबा। ऑप्शन नंबर ए होउछि सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि बैनिशिंग मदर टंग फ्रॉम द इंग्लिश क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। से कहउछि जे इंग्लिश श्रेणी कोठरी रे आमर मातृभाषा को त्याग करबा एटा को प्रकार मेथड रो गोटे विशेषत्व बा उदाहरण अटे बा लक्षण अटे से पचारिछि। कौ प्रकार मेथड रे आमर इंग्लिश श्रेणी कोठरी रे मातृभाषा को यूज करा जाने डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज रे आमर क्लास करा जाए डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज कौटा ना सेटा होछ आप मानकर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड रे आमर ट्रांसलेशन करा जाए ना सेठी आमर मानकर इंग्लिश रे पाठ पढ़ा जाउछ तो इंग्लिश रे ही आपन क्लास करा जिवे सेथरे ओडिया रे ट्रांसलेशन करा जिवो ना हिंदी रे करा जिवो ना बा तेलुगु उर्दू कोनोसी भाषा रे ट्रांसलेशन नो। टारगेट लैंग्वेज रे जो लैंग्वेज रे आमर इंग्लिश मैन इंग्लिश लैंग्वेज रे ही पढ़ा जिवे सेठी टारगेट लैंग्वेज रे पढ़ा जिवो सेथरे कोनोसी मातृभाषा रे आपन क्लास रे पढ़ा जिवो ना ओनली इंग्लिश रे आमर क्लास हबो सेटा कह जाए डायरेक्ट मेथड बोली कह जाए। डायरेक्ट मेथड रे आमर इंग्लिश श्रेणी कोठरी रे मातृभाषार व्यवहार करा जाए मातृभाषार व्यवहार करा जाए ना मातृभाषा को त्याग करा जाए सेठी माने मातृभाषा जमार पढ़ा जिवो ना आपको जो इंग्लिश रे पढ़ा जाउछ इंग्लिश रे सब किछ कंप्लीट करा जिवे एटी ट्रांसलेशन रो व्यवहार नाही सेटा कह जाए डायरेक्ट मेथड। जोटी ट्रांसलेशन व्यवहार नाही मातृभाषा यूज करा जाए ना सेटा कह जाए डायरेक्ट मेथड बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर ए होउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच मेथड ऑफ रीडिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप। से कहछु को मेथड रे हमर जो पढुछन्ती सेटा तार प्रिंसिपल होउछि साउंड लेटर रिलेशनशिप साउंड लेटर सहित रिलेशन रहउछि को रीडिंग मेथड रे फोनिक मेथड ना सेंटेंस मेथड ना वर्ड मेथड ना स्टोरी मेथड। करेक्ट आंसर होची साउंड लेटर रिलेशनशिप टाइप मान कर फोनिक मेथड रे ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर द फोनिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द माइक्रो स्किल्स लाइक साउंड स्ट्रेस रिदम एंड इंटोनेशन एटसेट्रा इनवॉल्वड। से कोच जे को या भीतर कोटे या भीतर कोथरे कहार माइक्रो स्किल साउंड स्ट्रेस रिदम इंटोनेशन ए सब। तो चारिटा ऑप्शन लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग आमर लैंग्वेज स्किल रही तो ये आप कहार से पचार माइक्रो स्किल ये सब से तो ये आम करेक्ट आंसर स्पीकिंग स्पीकिंग रो माइक्रो स्किल हूँ साउंड्स स्ट्रेस रिदम इंटोनेशन। आम स्पीकिंग किसी भाषण दौर किसी गीत गाँव से समय कोई जगह किसी स्ट्रेस नौकर रिदम रोते रिदम तक इंटोनेशन आम नौ स्पीकिंग ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाय द सिक्वेन्स अफ लांगुएज स्किल। आमर लांगुएज स्किल आम सिलेबस रही लांगुएज स्किल्स रही सब स्किल रही तो से कहे आम जो लांगुएज स्किल रही तार करेक्ट सिक्वेन्स कौन ठीक क्रम कौटा रही आमको आइडेंटिफाई करा पड़ो चिह्नट करा पड़ो बाछिकी लेख बोली से कही चार्टा अप्सन रही लिसनिंग एंड रिडिंग प्रेसेड रईटिंग स्पीकिंग लिसनिंग स्पीकिंग प्रेसिड रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रेसिड लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग प्रेसिड रीडिंग राइटिंग। तो कौटा आमर करेक्ट सिक्वेन्स करेक्ट सिक्वेन्स आमर करेक्ट सिक्वेन्स हमारे कौन एल एस आर डब्ल्यू। तो एल एस आर डब्ल्यू कौन रही लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो ऑप्शन नंबर बी मारे आम करेक्ट आंसर आओ लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रेसीड रीडिंग एंड राइटिंग माने कौन कौन ना आमर पढ़ा और लिखा पूर्व आमर शुणा और कहवा आसे
तो फास्ट आम लिसनिंग स्पीकिंग रिडिंग रईटिंग तो अप्सन नंबर बी हूँ आम करेक्ट आंसर यहीटा हूँ करेक्ट सिक्वेंस करेक्ट सिक्वेंस एल एस आर डब्ल्यू आम बहुत थोड़ा डिस्कसन करती खाली टी से प्रिसीड लगे आपको कन्फ्यूज कर वार्डटा आपको कन्फ्यूज करदे बाकी टेनसन ना या मैंने रिडिंग रईटिंग पूर्व आम लिसनिंग स्पीकिंग कराए ये तो ठीक तो आपने अप्सन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही रेमेडियल टीचिंग सुड बी कैरिड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ से कहे रेमेडियल टीचिंगटा आमर दि जाऊँ कौन आम चिन्हट कलापर टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टेक्स्ट एंड टेस्ट ना टेक्स्ट एंड लर्निंग ना मालाडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेस ना मेरिट ऑफ टीचर तो रेमेडियल टीचिंगटा आमर करा जाऊँ आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मालाडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेस माने आमर जो लैंग्वेज टेस्ट आम जेको किसी पढ़ुं लांगुएज से आम मालाडी मान कौन रोग रोग मान कौन कमी रही किसी कमी आम लांगुएज टेस्ट पढ़वे कि दुर्बलता रही किसी विकनेस रही इंग्लीश मुझे पढ़ुची इंग्लीश ग्रामर मुझे पढ़ुची मोर से इंग्लीश ग्रामर किसी विक् रोच किसी रोग मैंने मानने किसी कमी रोच रोग मैंने कौन बेमार बेमार मैंने किसी कमी रोच तो मालाडी मैंने कौन ना कि भाषा किसी लांगुएज कि कमी रोच आई तो कमी रही है जाना जानलापर आम रेमेडियल टीचिंग मध्यम से आम दूर करपसन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग ए शॉर्ट पैसेज एंड आंसरिंग डिटेल कंप्रेंशन इज कॉल्ड से कहे गोटे शॉर्ट मेसेज शॉर्ट पैसेज गोटे शॉर्ट पैसेज को आम पढ़ा ता सहित डिटेल आंसर डिटेल आम बुझिकी आंसर देवा सीटा को कौन कहा जाए स्पीड रीडिंग कह जाए ना स्कीमिंग कह जाए ना इंटेंसिव रीडिंग ना स्कैनिंग कह जाए तो गोटे शॉर्ट गोटे छोटिया पैसेज को आम पढ़ा पढ़ी डिटेल्स बुझिके आंसर देवा सेटा होची कौन ना इंटेंसिव रीडिंग डिटेल माने आसला माने डिटेल माने हमर इंटेंसिव रीडिंग ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रेमेडियल टीचिंग इज ए यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉर हेल्पिंग डैश से कहे रेमेडियल टीचिंग माने प्रतिकारात्मक शिक्षण सेटा यूजफुल अत्यंत गुरुत्वपूर्ण व्यवहारकारी एंड इफेक्टिव प्रभावशाली आमर लर्निंग स्ट्राटेजी फॉर हेल्पिंग डैश कौ पाई ये हेल्पफुल एंड इफेक्टिव अटे तो रेमेडियल टीचिंगटा कौ पाई बहुत यूजफुल आ इफेक्टिव अटे से पचार ब्राइट लर्नर पर ना गिफ्टेड ना ड्रॉप आउट ना ना स्लो लर्नर ब्राइट मैंने कौन जो मैंने टैलेंटेड टैलेंटेड जो मैंने भल ब्रिलियंट स्टूडेंट गिफ्टेड मध्य से ब्रिलियंट स्टूडेंट आ ड्रॉप आउट मैंने जे क्लास छाड़ दे स्कूल आसुनी सी जे स्कूल को आसुनी ताको रेमेडियल टीचिंग कौ टीचिंग मध्य कौन हम सी तो स्कूल आसुनी से टीचिंग केमती कर यहाँ तो हेनी गिफ्टेड पे रेमेडियल कौन आवश्यकता ना ब्राइट टैलेंट पाई आवश्यकता ना यहाँ आवश्यकता हूँ द स्लो लर्नर्स जो मैंने श्रेणी में पछुआ वर्गर पे पाठ पढ़ा से मैंने कम रोच बुझी पार ना कि तो जो बुझी पार नहीं जो जो गैप रही जा जो विक पॉइंट रही जाटा को आम कौन ना डायग्नोस्टिक इवालुएसन से चिन्हट कर पाला इंग्लीश ए पाटा इंग्लीश टॉपिक तार पाठ किसी होनी से किसी पढ़ी पार नहीं कि बुझी पार नहीं तो से पा टीचर आइडेंटिफाई कर डायग्नोस्टिक टेस्ट चिन्हट कर हिसाब से कौन विक् अच्छे से हिसाब से रेमेडियल टीचिंग दि जाऊँ जहाद्वारा तार जो गैप रोचे जो बुझी पारे से दूर कर तार टीचिंग रे इम्प्रूवमेंट हो तो यहाँ स्लो लर्नर पाला पछुआ वर्गर जो शिक्षार्थी अच्छा से मानपा हेल्पफुल अटे ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। स्लो लर्नर दे थी कि आपर बैकवर्ड स्टूडेंट दे थी लर्निंग बैकवर्ड स्टूडेंट मान शिक्षण से पछुआ वर्गर बा स्लो लर्नर दे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन इज टू डेवलप देयर डैश से कहे आम इंग्लिश टीचिंग रे पाकर इंग्लिश टीचिंग रे डेवलप करने प्राइमरी एम कौन अटे पाला जो इंग्लिश टीचिंग दि जाऊँगी से कौन डेवलप करवा तार प्राइमरी एम राइटिंग एबिलिटी कम्युनिकेटिव एबिलिटी रीडिंग एबिलिटी ना रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी तो प्राइमरी एम हो प्राथमिक उद्देश्य हूँ जे पिलाटार कम्युनिकेटिव डेवलप एबिलिटी को डेवलपमेंट करवा कम्युनिकेटिव एबिलिटी को डेवलपमेंट करवा
तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर कम्युनिकेटिव एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। से कहे पे थिंकिंग स्किल को चिंतन शक्ति को आमर प्रमोट करेंगे माने प्रमोट करने को प्रकार क्वेश्चन पचारे तो पे थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने को टाइप क्वेश्चन पचारे ना से ओपन एंडेड पचारे ना क्लोज एंडेड पचारे ना फैक्चुअल क्वेश्चन पचारे ना क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन रीडिंग। तो आमर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने आम ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारा जहाद्वारा से निज माइंड रु खुला हृदय जहाँ कि आसपी लेखिपर जहाँ कि तार थिंकिंगटा सी से प्रमोट कर प्रचार प्रसार करपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी एज इट इज ए और एन डैश। से कहे इंग्लीशा आमर जो शिक्षा जाटा कंपलसरी कौ थी से पचारि लिंक लांगुएज पर ना लाइब्रेरी लांगुएज पर ना इंटरनेशनल लांगुएज हिसाब से ना ऑल ऑफ दिस। तो आमर इंडिया इंग्लीश को आम कंपलसरी कर लिंक लांगुएज हिसाब से लाइब्रेरी लांगुएज हिसाब से इंटरनेशनल लांगुएज हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस बा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर। से कहे आम जो उच्च पठन रीडिंग अलाउड मान उच्च पठन बा उच्च स्वर में बड़ पार्टी करें पढ़ुं तार फायदा कौन एसेंशियल फॉर कौन से अत्यावश्यक अटे रीडिंग विथ स्पीड स्पीडली पढ़ापी ना कंप्रेहेंशन बुझापाई ना प्रोनाउंसिएशन ना नन अफ द एबव। तो रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर प्रोनाउंसिएशन आम जो उच्च पार्टी रे पाठ उच्च पार्टी रे आम जो बड़ पार्टी कर उच्च पठन करवा जहाद्वारा आमर कौन हम ना प्रोनाउंसिएशनटा आमर ठीक हो डेवलप हे कहीं उच्च पठन कलापर आम कौन सी जिनस पढ़ुं जोर बड़ पार्टी तेल से टीचर थी सामने आसमें आम कि भूल कर प्रोनाउंसिएशन आम जब स्पेलिंग मिस्टेक कर पढ़ुं से आपड़ा एमती हे सेमती हे जहाद्वारा आप प्रोनाउंसिएशनटा आमर डेवलप हे। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लैंग्वेज व्हिच इज लर्नड फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज। से कौच गोटे भाषा जहाँकि आम परेश सीखी था कहार कौन साय न नहीं कि आम डायरेक्ट परेश पाने कथबार्ता हो गए छोट छुआ बर्ष दु बर्ष छुआ बापा माँ घरे पर साई पड़सा जो मैंने कथबार्ता होता से शुणी शुणी से निजे शिखुची से निजे शिखुची कौन एक्सपीरियंस नौन टीचिंग दि जाऊनि से निजे निजे शिखुची से कौन कहुए से कहुए फास्ट लांगुएज कहुए फास्ट लांगुएज कहुए मातृभाषा से तार फास्ट लांगुएज कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशनटा कौ टाइप रही से पचार नॉट सब्जेक्ट टू चेंज ना आपने व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट कैरिड आउट ए प्री स्पेसिफाइड और पार्टिकुलर स्टेज इन द कोर्स। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन माने कौन ना रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट मैंने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशनटा ऑनगोइंग डेवलपमेंट मैंने ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग क्लास ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग समय आप केमती पाठ पढ़ाटा चली मॉनिटरिंग करुच्चे सी प्रोग्रेस प्रोग्रेस केमती रही है मॉनिटर करवा आद्वारा से मॉनिटर कलापर कौन हम ना कौन तार वीक पॉइंट रही फीडबैक् मिल फीडबैक् मिलला तार टीचिंग इम्प्रूवमेंट करने आम कि लेसन प्लान करवा। तो ऑप्शन नंबर थ्री हूँ करेक्ट आंसर ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। से कहे आमर पोएट्री टीचिंग रो मुख्य उद्देश्य कौन मुख्य लक्ष्य कौन मेकिंग लर्नर टू बिकम ए पोएट्स मैंने कवि हेपी लर्नर मैं कवि बनाए ना भोकाबुलरी डेवलपमेंट होमर शब्द भंडार विकास होन्जयमेंट आप्रिसीएसन ना डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर। तो द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज कौन ना एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन एंजॉयमेंट एप्रिसिएशन एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज। से कहे लैंग्वेज रो कोटा गोटे लक्षण नुहे से पचारि
तो चार्ट ऑप्शन देखिए लैंग्वेज सिंबॉलिक लैंग्वेज सोशल लैंग्वेज सिस्टमेटिक लैंग्वेज स्टैटिक। तो देखो लैंग्वेज लक्षण होटा सिंबॉलिक लैंग्वेज आम सिंबल रोचे तापर एटा सोशल लैंग्वेज द्वारा आम जन अन्य जन सहित आम समाज में कथबार्ता कर पार्छे सोशल भी अटे एटा सिस्टमेटिक आर सिस्टमेटिक रोचे लैंग्वेज किंतु ये स्टैटिक नुहे नॉट पचार नॉट कैरेक्टर पचार तो नॉट ए स्टैटिक लैंग्वेजा के स्टैटिक नुहे ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू असेस आमर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट माने निदानात्मक परीक्षण जो करार व्यवहार आम कौथ कौन जानापी कौन एसेस करने डायग्नोस्टिक टेस्ट करा लर्नर्स एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट ऑफ इन ए टेक्स्ट ना लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक ना रैंक अचीवमेंट लर्नर्स इन ऑर्डर ना आपर लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट इन लैंग्वेज। तो डायग्नोस्टिक टेस्टर व्यवहार कर मुख्य उद्देश्य हो पाने स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ वीक पॉइंट को से कौन कर आइडेंटिफाई कर। तो ऑप्शन नंबर 4 हम करेक्ट आंसर लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट बा लर्नर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को से फाइंड आउट कर कौन तार स्ट्रंग अच्छी माने से साहित्य तार स्ट्रंग अच्छी भल हो पाठ आर इंग्लीश वीक रही इंग्लीश भले पड़े से सब आप फाइंड आउट करवा कलापर कौन करेंगे ना ताप प्लानिंग करेंगे किमी जो गैप रोचे तार जो वीक पॉइंट रही सीटा को दूर करवाप आम रेमेडियल टीचिंग देवा। तो ऑप्शन 4 हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप द पर्पोज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज से कहे लैंग्वेज लर्निंग रे आमर डायग्नोस्टिक टेस्टर उद्देश्य कौन चार ऑप्शन देती गिव फीडबैक टू द पेरेंट नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग राइट द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। तो देखु लैंग्वेज लर्निंग रे डायग्नोस्टिक टेस्टर उद्देश्य निदानात्मक परीक्षण उद्देश्य हूँ नो द गैप्स इन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग माने गोटे पिला गोटे शिक्षार्थी कौटी से बुझीपारुनी गैप माने कौन से बुझीपारुनी तार वीक पॉइंट गैप माने कौन से कौटी से बुझीपारुनी सेटा को आम जानवा पाटा कौथे से बुझिपारे कौटी से बुझिपारे से जाना जानलाक आम रेमेडियल टीचिंग देवा सेटा पर कथा कितु आमर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर कारण हूँ जो पिलाटा कौटी वीक पॉइंट रही कौटी से गैप रोचे से बुझिपारे से आम फाइंड आउट करवा। तो ऑप्शन नंबर बी है आम सठिक आंसर यहाँ आरएचटी पचारि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग इनवल्वस प्री रीडिंगटा आम क्या सहित इनवल्व आम प्री रीडिंग व्हाइल रीडिंग प्री रीडिंग वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग आम सिलेबस रही है से इम्पोर्टेंट प्री रीडिंग इनवल्वस इन प्री रीडिंग क्या सहित संपर्कित से पचारि स्किमिंग ना स्कानिंग ना इंटेनसीव रीडिंग ना एक्सटेनसीव रीडिंग प्री रीडिंगटा आम स्किमिंग सहित इनवल्व अटे स्किमिंग सहित इनवल्व अटे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर स्किमिंग। नेक्स्ट रही व्हिच टीचिंग एड कैन बी यूज टू टीच लिसनिंग कंप्रेंशन लिसनिंग कंप्रेंशन को आम कौ टीचिंग एड को यूज करवा लिसनिंग कंप्रेंशन को से लिसनिंग कंप्रेंशन आम कौ टीचिंग एड शिक्षा उपकरण यूज करवा शुणापी कौन कर टेक्स्ट बुक तो पढ़ापाई वार्ड कार्ड पढ़ा पिक्चर कार्ड यू पढ़ी पार आम तो यहाँ शुणा सहित नुह टेप रेकॉर्ड रे किसी आम शुणिकी शिखिपर। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर टेप रेकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प्स इन आम उच्च पठन रीडिंग अलाउड मैंने उच्च पठन पिला कौन साय कर उच्च पठन पे कौन साय कर पचारि विल्डिंग द लर्नर्स वोकैबुलरी एंड एनहांसिंग प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स द टीचर्स टू डेमोन्स्ट्रेट हेयर अथॉरिटी इन क्लास कॉम्प्रिहेंड द डिटेल्स ऑफ द टेक्स्ट हेल्प द टीचर टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास। तो रीडिंग अलाउड पिला उच्च पठन पे कौन हेल्प करना विल्डिंग द लर्नर्स वोकैबुलरी एंड एनहांसिंग प्रोनाउंसिएशन
आमर भोकाबुलारी शब्द भंडार शिक्षार्थी मान बिल्ड करे एवं प्रोनाउंसिएशन आमर जो उच्चारणटा डेवलप हुए। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन राइटिंग प्रोसेस। से कहते राइटिंग प्रोसेस राइटिंग प्रोसेस सबुठारु आमर राइट इम्पोर्टेंट स्टेज कौटा बोली से पचार मेमोराइजेशन कैलीग्राफी कंप्रेंशन ना एडिटिंग। तो आमर राइटिंग प्रोसेस इम्पोर्टेंट स्टेज हूँ एडिटिंग। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर। आम जो लर्निंग लैंग्वेज रही है प्राइमरी स्किल कौ दुटा से पचारे यही आप आराम से कहींपर एल एस आर डब्ल्यू लिखिदेवे लिसनिंग एंड स्पीकिंग कौट ऑप्शन नंबर डी रही बिंदास मारे लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये दुटा आम प्राइमरी स्किल मैंने प्राथमिक स्किल फास्ट आम दुटा पढ़ुंतापर आम रिडिंग रईटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी होमर करेक्ट आंसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस एटसेट्रा इट इज कॉल्ड। यहाँ कौन कह पचार लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस। तो यहाँ कौन हूँ ईच अदर मैंने परस्पर भितर से ग्रुप हो पढ़ुं ये आम कौन हम ना पीर आसेसमेंट हम पीर आसेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड लैंग्वेजा लैंग्वेज स्किल को आम भल से कौ वे आम शिखिपर। तो ये आम सैड ऑप्शन रही ओनली थ्रू रिटर्न टेस्ट एंड असाइनमेंट्स इफ दे आर टॉट इन एन इंटेग्रेटेड मैनर विथ द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मेकानिकल लैंग्वेज ड्रिल व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस इन आइसोलेशन एंड आइसोलेशन वन स्किल एट ए टाइम। तो लैंग्वेज स्किल को आम भलसे शिखिपर केमती ना इफ दे आर टॉट इन एन इंटेग्रेटेड मैनर इंटेग्रेटेड मैनर जब आम शिखा तेल आम लैंग्वेज को भलसे शिखिपर। ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल आर टू एनेबल द स्टूडेंट्स। से कहे आमर एलिमेंटरी लेवल प्राथमिक लेवल रे प्राथमिक लेवल रे इंग्लिश टीचिंग रो उद्देश्य पिला कौन एनेबल कर कौन वृद्धि करने टू लिसन इंग्लिश टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली टू रीड विथ इजी टू लर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो देखु आम प्राइमरी लेवल रे एलिमेंटरी लेवल रे कोई प्राइमरी लेवल रे इंग्लिश टीचिंग रो उद्देश्य हूँ पिला इंग्लिश सुनिबे फास्ट तापर देन करेक्टली से कहे तापर सहजरे केमती से इंग्लिश पढ़ी पारे ये तीन टा जाक आन टा हमें ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर वन टू एंड थ्री। आमर इंग्लीश रो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रही जटिल वाक्य रही से गुड़ाक शिखा यहाँ तार एलिमेंट्री लेवल रहा जो जटिल वाक्य शिखा वृद्धि यहाँ एलिमेंट्री लेवल रे टीचिंग इंग्लीश रो उद्देश्य नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड एलोंग विथ एल एस आर डब्ल्यू एट द सेकेंडरी लेवल ऑफ टीचिंग इंग्लीश। से कहे आमर सेकेंडरी लेवल रे आमर जो सप्तम अष्टम नवम दशम यहाँ सेकेंडरी लेवल से समय रे इंग्लिश टीचिंग रे एल एस आर डब्ल्यू सहित कौटा इनक्लूड थाए तार उद्देश्य कौटा थाए से पचारि क्रिएटिविटी ना आप्रिसीएसन कौटा ओनली वन इज करेक्ट ओनली टू इज करेक्ट बोथ वन एर टू इज करेक्ट नेदर वन नर टू। तो करेक्ट आंसर कौन हम आमर इंग्लीश आमर सेकेंडरी लेवल रे पढ़ा जाऊँ से एल एस आर डब्ल्यू आम जो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग रे ऑब्जेक्टिव कोटा इंक्लूड थाए क्रिएटिव आम सेकेंडरी लेवल तो क्रिएटिविटी उपर फोकस कराए आप्रिसीएसन फोकस कराए। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनसीएफ 2005 गाइडेड दैट गोल्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम आर। आम एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 गाइडेड दैट गोल्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम आर सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम को टाइप से पचार टू फोल्ड ना थ्री फोल्ड ना फोर फोल्ड ना वन फोल्ड सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम हूँ टू फोल्ड। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर टू फोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग इज।
मुझ या पूर्व ही कहली आपको टार्गेट लांगुएज पढ़ा हे आपर मदर टंग मातृभाषार व्यवहार करथउट हेल्प अफ मदर टंग माने मातृभाषार व्यवहार से हेनी डायरेक्ट आपको टार्गेट लांगुएज पढ़ा टारेक्ट आप आंसर मुझे टार्गेट लांगुएज पढ़ा से मातृभाषार व्यवहार करना कौन से ट्रांसलेसन करना से डायरेक्ट मेथड अफ टीचिंग डायरेक्ट मेथड अफ टीचिंग ये ट्रांसलेसन कौन सी व्यवहार करा ये डायरेक्ट टारगेट लांगुएज पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द लास्ट माइक्रो स्किल इन नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग ए लांगुएज। देखो यहीटा आप लांगुएज स्किल यहाँ केते थर पचारे आपको खाली टिके टिके से मोडिफाई कर पचारे पिलामानकर नॉलेज से चेक करुच्छे। तो देखो लैंग्वेज स्किल आमर एल एस ए आर डब्ल्यू अच्छे आम केत थर पढ़ी एल एस आर डब्ल्यू यहाँ कि शहे थर आप टिके टिके मोडिफाई कर पचारूँ एल एस आर डब्ल्यू। तो से कहते लास्ट माइक्रो माक्रो स्किलटा कौटा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग लास्ट रही है राइटिंग। तो राइटिंग मारे लास्ट माक्रो स्किल हूँ राइटिंग एथेर किसी टाइम वेस्ट करार ना। नेक्स्ट रही है द टर्म लाइक एनेक्डोटल रेकर्ड्स असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट आर मेनली आसोसीएटेड विथ आमर जो एनेक्डोटल रेकर्ड रही एग्रीम असाइनमेंट रही प्रोजेक्ट रही एगुड़ा क्या सहित संपर्कित से पचारे एडमिशन ना इंट्रोडक्शन ना प्रमोशन ना इवालुएसन यू आम इवालुएसन सहित रिलेटेड इवालुएसन सहित रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन अफ द फॉलोइंग इज कन्सीडर्ड एज ए ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लीश लांगुएज। से कहते या भितर कौटा गोटे बहुत बड़ बाधक साजिश आमर इंग्लीश शिखबारे इंग्लीश भाषा शिखबारे या भितर कौटा गोटे बड़ प्रतिबंधक अटे बड़ बाधक साजुची इंग्लीश इज ए डिफिकल्ट लांगुएज टू लर्न इंग्लीशटा गोटे कष्ट भाषा शिखापी ना इंग्लीश फास्ट भोकाबुलरी इंग्लीश बहुत बड़ शब्द भंडार रही ना लैक अफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू लिसन एंड यूज आउटसाइड क्लासरूम ना आमर इंग्लीशटा केवल आप स्कूल क्लासरूम पढ़ा जा बाहर आउटसाइड क्लासरूम आपको पढ़ा शुणा को मिलूनी ना इंग्लीश फोनिम आर अनस्क्रफलस। तो कौटा बड़ बाधक हूँ कौन ना लैक अफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लीश आउटसाइड क्लासरूम आमर इंग्लीश लांगुएजटा आमर स्कूल पे पाठ पढ़ा जा स्कूल कॉलेज रे तो सही आप इंग्लीश रे इंग्लीश टीचर आसो तो इंग्लीश क्लास कर तो इंग्लीश रे से पढ़ेब तो सही आम शुणुं आम से किसी किसी से क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन करेंगे तो तार रिप्लाई मैं आंसर दौरान तो सही ही आमर होमर इंग्लीश पढ़ा बाकी इंग्लीश क्लासरूम छाड़ीदे बाहर आमर कौन सी इंग्लीश को आमर पढ़ा कहा जाए ना आम इंग्लीश कथबार्ता होना इंग्लीश व्यवहार करूना क्लासरूम छाड़ी क्लासरूम भितर जहाँ कि टी कर क्लासरूम पर आम कि इंग्लीश कथबार्ता ना कन्वर्सेसन ना कि ना से अभाव होती आउटसाइड क्लासरूम आम इंग्लीश लिसनिंग एंड स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी लैक माने अभाव रही आप क्लासरूम बाहर आम के इंग्लीश कथबार्ता करूना कि कहूना व्यवहार करूना से इंग्लीश शिक्षण में बहुत बड़ बाधक बा ग्रेट डिटेरेंट। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीसीई सीसीई कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रिगार्डिंग कौ स्टेटमेंटा ट्रु नुहे सत्य नुहे बा भूल तथ्य अटे से पचारि इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन इट रिड्यूसेस स्ट्रेस अमंग लर्नर्स इट यूजेस ग्रेड इनस्टेड ऑफ मार्क्स इट इनक्रीज द बर्डन ऑफ ऑन टीचर्स। तो देखो सीसी कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन हूँ गोटे स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ये ठीक अच्छे तापर इट इज रिड्यूसेस स्ट्रेस अमंग लर्नर पिलामानक ऊपर जो चाप रोचे प्रेसर रोचे रिड्यूस करुछी कम करुछी इट यूज ग्रेड्स इनस्टेड ऑफ मार्क्स मार्क पूर्व थिला मार्क बदल बदल ग्रेड कर कहीं मार्क द्वारा पिलामान तार 600 रु 400 आसिला तार 460 आसिला तो या भितर पिलामान मन टिके मोर 400 आसिला तार 60 आसिला तो या भितर पिलामान टेंशन रहउछि आउ सेठी अंतरपांतर भाबुछन्ति सेठी कोन कला ना ग्रेड दे देला चार तार ग्रेड माने कोन 400 रु 460 भितर ए ग्रेड अछि माने ए ग्रेड ता पचारले कोन तार 460 मार्क आसो सी ए ग्रेड कहला मुझे ए ग्रेड कहली एथे ए ग्रेड तो सेम हो गला आ मार्क है कौन तार 460 अधिक है 400 कम है सही पिला मैंने अंतरपातर होती पे कन्फ्यूज होती जो आप कौन कला ना मार्क बदल ग्रेड यूज कला
ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ସି ସି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଆମର ଆମର ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ ସି ସି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ। କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଅନ୍ ଟିଚର୍ସ, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏଇଟା ଭାର ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଏଇଟା କୌଣସି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ଅଟେ, କେବେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆପ୍ରୋଚ, ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ସେ କହୁଛି ଆମର ଇଂଲିଶର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆପ୍ରୋଚଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇଂଲିଶରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପଚାରିଛି। ନ୍ୟୁ ଆପ୍ରୋଚ କୁହାଯାଏ ନା ଅରାଲ ଆପ୍ରୋଚ କୁହାଯାଏ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ଓନ୍ଲି ଟୁ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ବୋଥ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ, ନେଦର ୱାନ୍ ନର୍ ଟୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଆମର ଇଂଲିଶରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆପ୍ରୋଚ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ରୋଚ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଓରାଲ ଆପ୍ରୋଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ, ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୋଥ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆପ୍ରୋଚକୁ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ରୋଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଓରାଲ ଆପ୍ରୋଚ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦ ଟୁ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆର୍, ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସେ ପଚାରିଛି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଲାଉଡ଼, ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ ଆଲାଉଡ଼, ମାନେ ଆମର ନିରବ ପଠନ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଦୁଇଟା ଆମର ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୁଇଟା ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ସି ସି, ସି ସି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କେଉଁଟା କେଉଁ ତଥ୍ୟଟା ଆମର ଭୁଲ ଅଟେ ସେ ପଚାରିଛି। ଆମେ ସି ସି ଉପରେ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଟ୍ରୁ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ କୋସ୍ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ଅଲ୍ସୋ, ଇଟ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ କୋସ୍ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ଅଲ୍ସୋ, ଇଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ ଆଣ୍ଡ ପନିସିଂ, ଇଟ୍ ରେଡ୍ୟୁସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ସି ସି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, କ'ଣ ନା ଇଏ ଆମର ଇଟ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ କୋସ୍ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ଅଲ୍ସୋ, ମାନେ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆକୁ କଭର୍ କରୁଛି, ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ତା ସହିତ କୋସ୍ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଟେ। ସି ସି ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋସ୍ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କୋ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଏରିଆକୁ କଭର୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଇଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସି ସି ଆମର ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରୁଛି, ସବୁ ଦିଗରୁ ବିକାଶ କରୁଛି ବା ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଟେ। ତା'ପରେ ଇଟ୍ ରେଡ୍ୟୁସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସି ସି କ'ଣ କରୁଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଚାପ ରହିଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ କମ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ ଆଣ୍ଡ ପନିସିଂ, ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ନୁହେଁ। ସି ସି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏଇଟା ଆମର ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ସି ସି, ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ଏଇଟା ଆପଣ ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦ ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଥ୍ରୀ ଆର୍ ରିଡ଼ିଂ ମେଥଡ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ, ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଥ୍ରୀ ଆର୍ ରିଡ଼ିଂ ମେଥଡ଼ଟା ଆମର ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ପଚାରିଛି। ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଥ୍ରୀ ଆର୍ ରିଡ଼ିଂ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ପଚାରିଛି, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଥ୍ରୀ ଆର୍ ରିଡ଼ିଂ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏସ୍ରେ କ'ଣ, ଏସ୍ରେ ଆମର ସର୍ଭେ, କ୍ୟୁରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସବୁଗୁଡ଼ାକର ତ ଦେଇଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ତିନିଟା ଆର୍ ଅଛି, ତିନିଟା ଆର୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆର୍ରେ ରିଡ଼୍, ଦେନ୍ ରିସାଇଟ୍ ରିକଲ୍, ଦେନ୍ ରିଭ୍ୟୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ରିଭ୍ୟୁ ରହିବ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସର୍ଭେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିଡ୍, ରିସାଇଟ୍ ରିକଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଏଟ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼, ସେ କହୁଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଂଲିଶ ଆମେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେଉଁଟା ଆମର ନଥାଏ, ଇଂଲିଶରେ କେଉଁଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ନଥାଏ, ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ରିପୋର୍ଟିଂ। ତ ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଲ୍ ଏସ୍ ଆର୍ ଡବ୍ଲୁ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲିସନିଂ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ରିଡ଼ିଂ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ସ୍ପିକିଂ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ରାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ରିପୋର୍ଟିଂ କେଉଁଟା ଆସିଲା, ରିପୋର୍ଟିଂ ଆସିନି, ସେଠି ରାଇଟିଂ ହେବା କଥା, ରିପୋର୍ଟିଂ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ କେଉଁଟା ଆସୁନି ନା ରିପୋର୍ଟିଂ ଆସୁନି, ସେଥିରେ ଏଲ୍ ଏସ୍ ଆର୍ ଡବ୍ଲୁ ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ରାଇଟିଂ ଏ ଚାରିଟା ଆସେ।
तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। से कहते ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को आउ कौन कह जाए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को कौन कहा जाए ना क्लासिकल मेथड बा ट्रेडिशनल मेथड बोली कहा जाए। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर क्लासिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करवा लास्ट क्वेश्चन रही इन द डायरेक्ट मेथड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट इंक्लूडेड। यहाँ आम सी एच टी 2022 पचारिजे आमर जो डायरेक्ट मेथड पाठ पढ़ा से कौ फीचरटा रहे ना पचारि कौ फीचर से रहे ना तो आपको डायरेक्ट मेथड बहुत बार कह डायरेक्ट मेथड रे आमर मदर टंग को मातृभाषा को व्यवहार करा जाए सेठी कौन सी ट्रांसलेशन व्यवहार करा जाए ना ट्रांसलेशन रो कौन सी यूज हुए सेठी डायरेक्ट टारगेट सेठी आमर टारगेट लैंग्वेज रे पाठ पढ़ा जाए टारगेट लैंग्वेज माने इंग्लिश नहीं बात आमर पाठ पढ़ा जाए से हिंदी में आप ट्रांसलेशन नुह ओडिया ट्रांसलेशन माने मातृभाषा व्यवहार करा ना डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज आम पढ़ा से डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी आप आज आम क्लास चालीसटा क्वेश्चन डिस्कसन कले आप चालीस के मार्क रखिंट कमेंट बक्स में निहाती भाव जनइबे जदि भिडियो भल लगुच्छे तो निहत गोटे लाइक करेंगे सहित अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मैं निहाती भाव सेयार करेंगे आज जो मैंने चैनल नुआ चैनल निहत सब्सक्राइब करूँ एवं ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आप मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आम डिस्कशन करवा सोशल स्टडीज आम डिस्कशन करवा सहित आप नेक्स्ट रोड ओडिया ग्रामर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।